ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बदर किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए मैंने सारे प्रिपरेशन कर लिए हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए अब हम पहले आलू की एक स्टफिंग रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर लेंगे, 3 से 4 ग्रीन चिल्ली बारीक काट लिए हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और अब हम इसमें आलू की स्टफिंग डालकर हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस स्टफिंग को 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे। आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम बेसन का एक बैटर रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल लिया है। अब हम बेसन का एक घोल रेडी कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इस पर इन सारे चीज़ों की लेयर लगा लेंगे। मैंने ग्रीन चटनी पीसी है, हरी मिर्च, कोथिंबीर, अदरक, लहसुन और नमक डालकर इस तरह की एक चटनी रेडी कर लीजिए। इसको हम इस तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस पर लगा लेंगे। इसी तरह से इस स्लाइस पर भी अब हम ग्रीन चटनी लगा लेंगे। अब हमें इस पर आलू की स्टफिंग डालकर इसे अच्छी तरह से सारे ब्रेड के स्लाइस पर इस तरह से आप कोट कर दीजिए। ये देखिए हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा चीज़ डाल लेंगे
इससे हमारे ब्रेड पकौड़े का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, अब हमें इस पीस को लेकर इस पर इस तरह से रखकर प्रेस कर दे। ये देखिए अच्छी तरह से प्रेस हो चुका है। अब हमें इसे इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड के पीसेस को रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे स्लाइस रेडी कर लिए हैं। अब हम ऑयल भी गर्म करने रखा है। अब हम इसे इसमें इस तरह से इसे डिप कर लेंगे अच्छी तरह से। इस पर बेसन की कोटिंग लगनी चाहिए। ये देखिए, अब हमें इसे इस तरह से ऑयल में छोड़ देंगे और इस पर ऑयल को इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब हम इस तरह से सारे ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने स्पंजी बने हैं। लीजिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए।